पर अज एक ऐसा परिवार दिखावांगे जिहड़ा परिवार धीआं नूं बोझ नहीं सगों सिरां दे ताज मंदा है। एक ऐसे परिवार की कहानी जिहदे विच पंज धीआं ने साडीआं धीआं ने साडी तकदीर बदली है। असीं तां इह मंग के ले सी हरमन मालक तो बापू जी तो दुआवां कर करके लई वी साडे घरे पहली धी होवे। अच्छा हाँ जी, तो जो सानू कहते सी कि वी तुहाडे मुंडा आउणा, मैं कहा नहीं बस धी दे दे पहलों, तो मालक ने कुड़ी दित्ती। उस तो बाद फिर जर्मन हुई, तो जाने के असी इतने तक भी साढ़े आए महंत लोग, वह कहते अच्छा इन्हें तो कुड़ी हुई है, रहने दो बधाई। मैं कहा नहीं जी, ताड़ी बधाई बनती है, साढ़ा तो पुत ही है। अपनी मम्मी ने मैं कहा लड्डू वंडो पहलो, कहते भी लड्डू वंडने भी लड्डू थोड़ी वीड्डी, तो कुड़ियाँ जो जाए। मैं कहा कुड़ी नहीं, मेरा मुंडा है। हाँ जी, ये तो गऊँ आ, गऊँ का शेर होना चाहिए, कोई रखवाला होना चाहिए, भी मुंडा भी होना चाहिए। कहण का भाव यह है ना, साढ़े घर के असी सुनी भी है, जोड़ा कोई ज़्यादा धियां कमजोर करता उन्होंने कहता जे तुम आना चाह पानी पीओ, जे इदा की गल करनी तो अपने घर बैठो, साढ़िया धियां नहीं कुछ भी कहना माड़ा चंगा। मुंडा होंगे तो शायद इन्हों का वंश अगे वाई, समाज का असल सवाल है ना, ये तो जी गलत सोच है समाज की। तुम देखो मैं अपने दादे का ना पता, मैं अपने डैडी का ना पता, मैं पड़दादे का पता होगा, मैं गांव उन्हों का नहीं पता, चौथी पीढ़ी तो बाद किसी ना ही नहीं पता होगा भी यह साडा जी दीवा चलता है। चौथी पीढ़ी तो बाद तो दीवा नहीं चलता, हूँ तीन पीढ़ियां याद मेरे बच्चों होनी, मेरा ना याद होना, ठीक है जी, मेरे डैडी का ना याद होना, तो मेरे गां दादे का ना याद होना, उस तो बाद पड़दादे रहे भुल गए गां, जिदा मैं भुल गया मेरे तो गां, जो चार पीढ़ियां तक याद रहा जोड़ा दीवे दिया गल कर रहे हैं, दीवे ही है इन्होंने जो जाना, इन्हों के वंश चलना वह भी तो साढ़े वंश तो जाना, कहदा वंश वंश नाल ही है, ये वंश नहीं गा मुंडे नाल ज्यादे वंश होंगे। तुम दसो चार पीढ़ियों तो बाद जो ध्यान भी याद हो दस दो, मेरे मेरा नाम शमशेर सिंह, डैडी का नाम सरदार मखण सिंह, दादे का नाम सरदार संगत सिंह, हूँ मैं चौथी का नहीं पता, फिर जाने के फिर मैं वो वंश चो नहीं गा। अपनी किस्मत चंगे काम किए मैं कहना जो माड़े काम किए मैं सजा दे दी, इन्हों मालिका दमी मेरी मैनू दे दी, जे मेरे चंगे काम किए इन्हों दे दी। जिथे धियां हुण परमात्मा धियां भी उन्होंने दिंदा है ना, जिन्हां दे विच जिगरा होवे उन्होंने पालण दा पलूसण दा है ना, वैसे तां यही पाल रही है सानू, क्योंकि ये इन्हां दे नाल ही जांदा, मैं भी दिहाड़ी करदा इन्हां नाल, पहले मैं बखरी दिहाड़ी करदा सी हुण इन्हां नाल दिहाड़ी करदा। समझ लो भी गली महल्ले दे विच आंदे ना उह तोता लैके पंडित जी है ना, उह भविख दिखालदे आ, तो मैं कहना भी हाथ दिखा दो पांच रुपये दे के दस रुपये दे के, उन्हें मैं कहने जो मेरे होइया नहीं सी, तेरी किस्मत टूर बहुत आ सफर बहुत आ, मैं कहना सफर साड़ी रिश्तेदारी तो सारी फलोर तो हुशियारपुर तक होनी है, ये सफर कड़े कर ही जाता, यही होंगे ना आस, तो हम पता लगता वाकई यार सफर से इन्होंने ही सके सफर, ये आनिया नहीं ता सफर होना जरूर। तो उस वेले फिर मैं उन्होंने मामे के तौर पर सोने की मुंडी पाई सी, तो फिर यदा ना ता करमन रखा भी करमा वाली आ, जिन्हें जमदी ने हले होस्पिटल से तो मेरे पहले सोना पवाता, ता करके उन्हें ना करमन करमन कर दिता। जो ये बीमार हो सारे रिश्तेदार साथ छड़ गए कि हुंदा पैसा तो लगती रोज़ महफल, हुंदा पैसा तो लगती रोज़ महफल, मक्खन मिश्रियाँ वंगरा चट जाते, हुंदा पैसा नहीं ना बनता यार कोई रिश्तेदार भी उन्हों हट जाते, माणे शाह की माण बैगाने का अपने जम्मे भी पासा वट जाते। भी जिहड़ियां भी धीआं नूं माँ बाप पालदा, जो ब्याह के कदे जांदियां दाज के पिछे उन्हां नूं मारिया ना जाए, तो माँ बाप पता नहीं किदा पाल के उन्हां नूं जवान करदा, उन्हां लई उदों मास नहीं आंदा भी मच्छर ना लड़े उन्हां दे, एक मच्छर वी ना लड़े पक्खी चलदा, तो वह बच्चे जो जलाया जाता तो किन्ना दुख हुंदा होना। अज बेशक साडा नाम नहीं पर इहने भी गुमनाम नहीं, अज तेरी गुड्डी सिखरा ते, तेरी गुड्डी सिखरा ते, कल असी भी छा जाना है जदों रब दी हो गई मैं।
ਜਦੋਂ ਬਾਪੂ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਨੇ ਵਕਤ ਸਾਡਾ ਵੀ ਆ ਜਾਣਾ ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਮੇਰੇ ਵਕਤ ਸਾਡਾ ਵੀ ਆ ਜਾਣਾ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਘੱਟ ਪੰਜਾਬੀ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਵੱਖਰੀ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਦਿਖਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੋਝ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਐਸਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਤਾਜ ਮੰਨਦਾ ਇੱਕ ਐਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਧੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਪੰਜ ਧੀਆਂ ਆਪਣੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਇਹ ਧੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਪੁੱਤ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਤਕਦੀਰ ਬਦਲੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੋਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਕਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣੇ ਸੀ ਜੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਧੀਆਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੌਂਸਲਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਡੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਜ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਚੂਰੋ ਚੂਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਅੱਜ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਕਸਰ ਹਰਮਨ ਜਰਮਨ ਸਿੰਗਰ ਦੇਖੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਉਹ ਕੁੜੀਆਂ ਗਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਕੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਭੈਣੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਨ ਨੂੰ ਆਏ ਥੈਂਕ ਯੂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਂਟੀ ਅਤੇ ਅੰਕਲ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਜ ਇੱਕ ਫਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦੇਣ ਆ ਜੀ ਹੋਰ ਸਿਹਤਾਂ ਠੀਕ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕਿਰਪਾ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਮਾਲਕ ਦੀ ਬਾਪੂ ਜੀ ਮੇਰਾ ਅੱਛਾ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਮੇਰਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪੰਜ ਧੀਆਂ ਨੇ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਅਸਲ ਇਹ ਸੋਚ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਧੀ ਇੱਕ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਦੋ ਹੋ ਗਈ ਉਹਨੂੰ ਮੱਥੇ ਵੱਟ ਪਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਅਤੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪੰਜ ਧੀਆਂ ਨੇ ਹੈ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਵਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਆਪਣਾ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਸ਼ਿਕਵਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕੇ ਲਏ ਸੀ ਹਰਮਨ ਮਾਲਕ ਤੋਂ ਬਾਪੂ ਜੀ ਤੋਂ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਲਈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਪਹਿਲੀ ਧੀ ਹੋਵੇ ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੰਡਾ ਆਉਣਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਧੀ ਦੇ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਹੋਈ ਵੈਸੇ ਹੀ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰੋਕਾਂ ਟੰਗੀਆਂ ਦੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਫਰੋਕਾਂ ਪਵਾਉਣੀਆਂ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਹਲੇ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਗੁੜੀਆ ਹੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਗੁੜੀਆ ਦਿੱਤੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਰਮਨ ਹੋਈ ਅਤੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਵੀ ਸਾਡੇ ਉਹ ਆਏ ਮਹੰਤ ਲੋਕ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ ਇਹਨਾਂ ਤਾਂ ਕੁੜੀ ਹੋਈ ਆ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਵਧਾਈ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵਧਾਈ ਬਣਦੀ ਹੈ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਪੁੱਤ ਹੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁਲਾਇਆ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਇਆ ਅਤੇ ਬੈਠੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਗਨ ਵਿਹਾਰ ਕੀਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇਹਦੀ ਲੋਹੜੀ ਤੱਕ ਪਾਈ ਹੈ ਜੀ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਬਰਫੀ ਵੰਡੋ ਕੁੜੀ ਆ ਲੱਡੂ ਨਹੀਂ ਵੰਡੀ ਦੇ ਅਸੀਂ ਲੱਡੂ ਵੰਡੇ ਆਪਣੀ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੱਡੂ ਵੰਡੋ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਲੱਡੂ ਵੰਡਣੇ ਆ ਵੀ ਲੱਡੂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਵੱਡੀ ਦੇ ਕੁੜੀਆਂ ਜਦੋਂ ਜੰਮਦੀਆਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੁੜੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਆ ਫਿਰ ਹਰ ਵਾਰ ਲੋਹੜੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਈ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਲੋਹੜੀ ਨਾ ਹੀ ਮਨਾਈ ਦੀ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਲੋਹੜੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਡੈਥ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਅੱਛਾ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹਲੇ ਰਹਿੰਦਾ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਅ ਤਾਂ ਰੱਖੀ ਦੇ ਆ ਅੱਛਾ ਜਿੰਨੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਲੋਹੜੀ ਮਨਾਈ ਆ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰੇ ਚਾਅ ਜੋ ਹੈਪੀ ਬਰਥਡੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਮਨਾਏ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਨਾਏ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਜੰਮੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੰਮੇ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੀ ਆ ਜੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵੀ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾ ਹੁੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੀ ਆ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਮਨ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਬੇਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਹੈ ਨਾ ਚਲੋ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਦੂਜੀ ਬੇਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਦੋਂ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਾ ਉਹਦੀ ਦਾਤ ਆ ਜਦੋਂ ਤੀਜੀ ਬੇਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਦੋਂ ਦੀ ਕੀ ਸਥਿਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਤਾਂ ਟੁੱਟਦੇ ਨਹੀਂ ਜੇ ਤੋੜਨ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਉਹ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਹੈ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਤੋੜਦਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਨਾਨੀ ਨੂੰ ਜਨਾਨੀ ਆਣ ਕੇ ਤੋੜਦੀ ਆ ਅੱਛਾ ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਸੱਸ ਅਤੇ ਨੌ ਸੱਸ ਦੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸੁਣੋਗੇ ਕਹਾਣੀ ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਦੀ ਸੁਣੋਗੇ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਹੈ ਨਾ ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਸਹੁਰੇ ਅਤੇ ਨੌਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਜੇ ਗੀਤ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ ਮੈਂ ਸੱਸ ਕੁੱਟਣੀ ਕੁੱਟਣੀ ਸਦੂਕਾ ਉਹਨੇ ਸੱਸ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਜਨਾਨੀ ਨੂੰ ਜਨਾਨੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ ਉਹੀ ਆਣ ਕੇ ਜਨਾਨੀਆਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਹਿਣਗੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਹਾਏ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਗਊਆਂ ਆ ਗਊਆਂ ਦਾ ਸ਼ੇਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕੋਈ ਰਖਵਾਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਮੁੰਡਾ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਨਾ ਪਰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸੁਣੀ ਦੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹੀਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਪੀਓ ਜੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਬੈਠੋ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਮਾੜਾ ਚੰਗਾ ਜੇ ਧੀਆਂ ਰੱਬ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਅੰਨ ਦਿੱਤਾ ਜੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੀ ਆ ਜੇ ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਬੈਠੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ ਜੇ ਹੈਗੀਆਂ ਤਾਂ ਹੀ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਛ
इस करके धियां तों नफरत नहीं करनी चाहिए। धियां बहुत अच्छा, जे गुण कोई भी समझ लो गुण इन्हों जो गायकी का आया शायद किसी का स्टडी का भी हो सकता किसी का कुछ तरीके का, पर धियां माड़ा नहीं। आंटी इतने एक सवाल थोनू करना चाहूँगा, जिमें इन्हों की गल चो गल ये निकली कि यह दसते हैं कि जिमें मैनू तो कदे आख्या है नहीं है ना, पर इन्हों मेरी वाइफ नूं तोड़न वाले बहुत ज्यादा आ जाते क्योंकि साढ़े समाज ही जिमें इन्होंने आख्या कि औरत ही औरत नूं ताने मिने जा तंज कसदी है ना। तुहाडे कोल इह जिहियां गल्लां आईयां सी कि तुहाडे घर दा कोई कहण वाले पर आपां परवाह नहीं कीती। अच्छा, की कहंदे सी ओह लोग? बस एदे कहंदे सी वी मुंडा वी होणा चाहीदा, इस करके परवाह नहीं कीती। अच्छा, ते भैणे तुहाडे नाल गल्लबात कर ली है ना कि तुसीं अपने फादर साहब दा सब तों वड्डी गल इह आ कि उहनां दे इक पुत बण के दिखाया है ना तुसीं, कि परिवार दे विच मैनूं अंकल होरी इह गल वी दस्सदे कि साडे परिवार दी हालत बहुत माड़ी सी है ना, जे सोशल मीडिया ते आईआं जां इह गाउण लगीआं तां साडे घर दी स्थिति सुधरी है ना, वी सानूं माण है इहनां ते। हांजी, इदां ही आ, बहुत बहुत धन्नवाद क्योंकि जिहड़े इंटरव्यू देखदे ने सानूं प्यार दिंदे ने, उहनां ने साडी गायकी नूं सुणिआ, सानूं सुणिआ, साडी इंटरव्यू नूं सुणिआ, सानूं प्यार दित्ता ਮੁੰਡੇ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਏਦਾਂ ਤਾਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਮਤਲਬ ਪਾਪਾ ਨੇ ਏਦਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਫੀਲਡ ਚ ਜਾਓ ਤੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਫੀਲਡ ਚ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਾਡੀ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਸਿੰਗਿੰਗ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਗਿੰਗ ਪਸੰਦ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਿੰਗਿੰਗ 'ਚ ਆ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕ ਟੋਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਛੋਟੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਸਿੰਗਿੰਗ 'ਚ ਆਉਣ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਸਿੰਗਿੰਗ 'ਚ, ਬਾਕੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਫੀਲਡ 'ਚ ਆਉਣਾ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕੋਈ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਨਹੀਂ, ਕਦੇ ਰੋਕ ਟੋਕ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ। ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿਲੀ ਸੋਚ ਕਿਵੇਂ ਆ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਜੇ ਜੀ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਿਆ, ਉਹਦਾ ਦਾਣਾ ਦਾ ਵੀ ਰੱਖ ਕੇ ਭੇਜਿਆ। ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸੋਚੀਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਛ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਰੋਕਾ ਟੋਕਾਂਗੇ ਕਦਲੀ? ਰੋਕਣਾ ਟੋਕਣਾ ਤਾਂ ਮਾੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਗਾਇਕੀ, ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ। ਇਹਨੂੰ ਮਾੜਾ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਪਰ ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਹੀ ਕਰਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਸੂਫੀ ਆ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਦੇ ਜਾਗਰਣ ਕਰਦੀਆਂ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਸਾਰਾ ਧਾਰਮਿਕ ਹੀ ਕਰਦੀਆਂ ਅੱਜ ਤੱਕ। ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਫੀਲਡ ਵਧੀ ਜਾਣੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲੀ ਜਾਊਗਾ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਸੀਗਾ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਸੀ, ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਧੀਆਂ ਜਨਮ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਲੇਖ ਲਿਖਾ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਲਿਖਾ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਬਦਲਦੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕੁਛ ਵਾ ਅੱਜ ਜੋ ਵੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਲਏ ਹੋਣੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖੇ ਹੋਣੇ ਆ, ਹੁਣ ਵੀ ਦੇਖੇ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀਗੇ, ਵੀ ਚਲੋ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਪਰ ਇਹ ਗੁੜੀਆਂ ਮੇਰੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥੱਲੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ 13-14 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਜਾਂ ਲਾਉਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਜੀ। ਅੱਛਾ, 13-14 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸੀ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਜਾਗਰਣ ਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਗਰਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਕੋਰਸ, ਫਿਰ ਐਂਕਰ ਰਿਹਾ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ, ਅਤੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਕੰਮ ਮੈਂ ਵੀ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੈਂ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਡੇ ਜਿੱਦਾਂ ਸੰਗੀਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸੀਗਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਸੰਗੀਤ ਦਾ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਉਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਫੀਲਡ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੌਂਕ ਪੈ ਗਿਆ, ਸ਼ੌਂਕ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਣੀ ਕਿ ਇਹ ਗੁੜੀਆ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਾਰਾ ਸਰਕਲ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀ? ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਾਸੇ ਵਾਲੀ ਰਸੋਲੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ ਨੈਕ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਖੜ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਹਾਂ, ਇਲਾਜ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਯਾਰ ਦੇਸੀ ਦਵਾਈ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਦੇਸੀ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਪੈ ਗਏ, ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਅਤੇ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕੋਮਾ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਠਣ ਨਾ ਉੱਠੇ, ਚਲੋ ਦਰਬਾਰਾਂ 'ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾਉਣੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਵਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਕੁਛ ਜਿਹੜੇ ਜਾਣ ਪਹਿਚਾਣ ਵਾਲੇ ਸੀ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਪਈ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਗੈਰਾ ਪਈ, ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਦਦ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਦਵਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜੋ ਜੋਗਾ ਸੀਗਾ ਹਰੇਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਦੇ ਦਵਾ ਹੀ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ, ਮਦਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰੋਜ਼ ਖਾਨ ਭਾਅ ਜੀ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਿਓ, ਅਸੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਕਈ ਐਨ ਜੀ ਓ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਿਲੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਂ ਘਰ ਦੇ ਰੰਗ ਰੁੰਗ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋਇਆ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਲਰਫੁੱਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਵਾਈਟ ਕੀਤਾ ਨੀਗਾ, ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਲਰ ਸਾਰੇ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਕਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਵਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਜਗ੍ਹਾ ਆ, ਪਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤਾਂ ਆ ਜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਹੋਵੇ, ਰਜਿਸਟਰੀ ਤਾਂ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਆ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੇਚ ਕੇ ਤਾਂ ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਨਾ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਗਏ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ? ਆਪਣੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ, ਆਪਣੇ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਉਹ
पैसे मंगण दी मैं इलाज करवाना है। वह कहते लड़े उत्थे एन जी ओ बहुत आ भी किसी संस्था मिल लो, फिर जो संस्था में मिलना फिर मैं रिश्तेदारों को करना भी की सी। इस करके परमात्मा ने बहुत वधिया जी हुण परमात्मा की ए कृपा ना असी किसी माड़ा कहना ना ही साढ़े को रब कहे जिनी योग है वधिया आ। अच्छा एक होर सवाल होंगे अंकल जी, मैं थोड़े ज़्यादा वार्तालाप कर रहे हैं कि यह गल होंगी आ कि जी लाइन आ है ना कि खास करके कुड़ियों लिए नहीं बनी होंगी, साढ़े कई तबके की सोच है साढ़े समाज के तबके की है ना कि सिंगिंग कई कुड़ियों लिए चंगी नहीं हैगी, इन्ना खुल इन्हों ना दो थोड़े अपने ही कहते होंगे थोड़े नेड़े के लोग ये कहते होंगे कि नहीं नहीं मेरा जो गली महला बहुत एप्रीशिएट करता जिन्ना भी कदे गल हुई शुरुआत नहीं मेरे शुरुआत जो मैं इस लाइन में लगा सी उस वेले कहते कहते कंजर तू कोई काम होर कर ला, मैं कोई गल नहीं मैनू जो दिल दिल हो गए तो फिर गल कही चलो जो मैं थोड़ा जहा सा नाम बनया फिर उही यार क्या बात आ साडा मुंडा उत्थे स्टेज पर खड़ा है ना, इस करके अज जो खड़ दी तो अज रिश्तेदारियां बहुत निकलनियाँ अपने रिश्तेदार मैं पता नहीं गाँव अपने सके मैं मेरे को आए नहीं कभी सारी जिंदगी भी हम शायद हो गए नहीं आते हो उस वे गरीबी से हूं तो रिश्तेदार आने चाहिए ना थोड़े ज क्या बात है बहुत वजनदार गल है थोड़ी है ना कि रिश्ते भी पैसा देख के साडा रुतबा देख के बनते हैं भैने। एक तुसी बहुत सोहनी गल आखी सी पिछे कि वह की गल सी कि थोड़े अपने भी रिश्ते नाते जो सारे टुट गए सी है ना। हाँ जी वो यही गल तो गल सी कि जो ये बीमार हुई सारे रिश्तेदार साथ छड्ड गए कि हुंदा पैसा तो लगती रोज़ महफल हुंदा पैसा तो लगती रोज़ महफल मक्खण मिश्रियाँ वंगरा चट जाते हुंदा पैसा नहीं ना बनता यार कोई रिश्तेदार भी उन्हों हट जाते माणे शाह की माण बैगाने का अपने जम्मे भी पासा वट जाते। क्या बात है ये चीज़ा तो तुम आप हंडाइया ने है ना अपने परिवार के उत्ते हंडाइया ने थोनों एक ये सब कुछ मिले है ना पर किवें देखते हो ये दुनियादारी जिथे ये गल्लां हुंदियां ने कि कुड़ी हुंदी मुंडा हुंदा तो शायद चौथी पीढ़ी तो बाद किसी ना ही नहीं पता होगा जे जे तो हो गया भी मैं दस पीढ़िया का पता फिर तो तुम जानो भी यह सा जी दीवा चलता है चौथी पीढ़ी तो बाद दीवा नहीं चलता हूं तीन पीढ़ियां याद मेरे बच्चों होनी मेरा ना याद होना ठीक है जी मेरे डैडी का ना याद होना तो मेरे गां दादे का ना याद होना उस तो बाद पड़दादे रहे भुल गए गां जिदा मैं भुल गया मेरे तो गां जो चार पीढ़ियां तक ही याद रहा कि दीवे दियां गल्लां करदे आ दीवे ही है इन्हां ने जो जाना इन्हां दे वंश चलना वह भी तो साढ़े वंश चो जाना जे ये मेरा हुण गोत समझ लो भी सौंधी कहिंदे सानूं वैसे सौंड गोत आ पक्का अजकल दे उह समझ लो इंग्लिश दे विच उहनूं सौंधी कर दिता गया हुण सौंधी आ है ये तो सौंधी है ना तो ना कलू यह तो कहे ढी माँ का की गोत है जी वह कहो कि सौंधी गोत है यदा भी चलना ना कहदा वंश वंश नाल ही आ ये वंश नहीं गा मुंडे नाल ज्यादा वंश होंगे तो दसो चार पीढ़ियों तो बाद जो तुहानू भी याद हो तो दस दो क्या बात है याद सानू डैडी का ना याद डैडी के डैडी का वो तो वो उन्होंने डैडी का याद होगा उस तो गांह तो नहीं याद नहीं याद फिर मैं दसो भी कहदा वंश आ मेरा नाम शमशेर सिंह डैडी का नाम सरदार मक्खण सिंह दादे का नाम सरदार संगत सिंह हुण मैनूं चौथी का नहीं पता फिर जाने कि फिर मैं वंश चो नहीं गा क्या बात है सही गल तो जो भैने कदे ये चीज़ का वितकरा साढ़े थोड़े मा फादर मम्मी डैडी ये कहते हैं कि असी इन्हों कद फील ही नहीं होने दिता कदे जो कित आम जाने उदों तो नहीं ये गल्ला फील होंगे साढ़े समाज की सोच की नहीं नहीं मतलब कभी भी इदा फील नहीं होया कि असं मुंडे नालों घट क्योंकि काफ़ी अज तुसी इंटरव्यू करन नूं आए हो काफ़ी कुड़ियां भी इंटरव्यू करन नूं आंदियां ते कुड़ियां नूं अगे फील्ड च अज कल नहीं घट मन्निया जांदा पहला जरूर मन्निया जांदा सी हुण घट नहीं मन्निया जांदा बाकी जिहड़े सोचदे ने आपां किसे दी परवाह नहीं करीदी क्योंकि जिंदगी एक बार मिलदी है जे लोकां दी सुणदे रहे ते अपनी की करांगे असीं ते ये विचार इन्हां दे जिहड़े इन्ने सोहणे विचार ने थोड़े तों आए आ
बस ऐदा ही जी एक दूसरे नूं कुछ ऐदे कुछ सिखण नूं मिल जांदा इह वी मैनूं सिखाल दिंदी आ इह नहीं भी मैं ही सिखालदा इह वी मैनूं सिखालदी आ बाकी समाज जिद्दां जिद्दां घुम्मदे रहांगे हुण इह प्रोग्राम ते जांदे आ असीं चाहीए ते टाइम दी टाइम जा सकदे आ प्रोग्राम ते असीं घट तों घट 5-7 घंटे बैठ भी जाईदा प्रोग्राम सानूं 7 बजे दा होवे असीं 3 घंटे पहलों बैठ के समाज सुणांगे किसे नूं तां ही सुणावांगे इस करके बच्चों को कहता ताड़ी यह स्ट्रगल आ भी तुसी ये नहीं सोचना भी असी स्टार हाँ जी गाने लग पे गायकी बहुत दूर आ कर गायकी नहीं किसी ने ना पा ही सकया हूँ जे कहो लेडीज माड़ा कहते हूँ लता जी सी उन्हें माता दत्त मिले साढ़े पंजाब के नरेंद्र कौर बीबा जी है ना बाबा जी इन्हों सुनो किनिया वधिया वधिया उन्होंने चीज़ा इन्हें नाम कमाया फील्ड दे विच नाम सी सुरेंद्र सोनिया जी है ना नाम वह भी तो लेडीज थी वह भी तो घरों निकल गई है जे घरों निकला के ता ही बाहर जाके पता लगू नहीं तो घर की चार दीवारी के बच्चे रह जाऊंगे इन्हों तो बस घर की रसोई दिखा लो संपूर्ण होना चाहिए जेड़ा भी काम करो संपूर्ण होवो सब्जियां रोटियां सारा सफाइयां शौक बन जाता लाडली है रिश्तेदारी दिल नहीं लगता जे एक रात रह जाए सारिया चार ही रोन लग पा बाकी दू लिया पापा दिल नहीं लगता उदा भावा घरे खिचम खिची हो जा पर जो एक भी रह पी कि नाल ही पापा फोन करो कि फिर आने उतो फोन करी जाने जिते रह के पापा मैं लै जाओ मम्मी मैं लै जाओ भी हरमन तू कह पापा ने मैं लै जाए जाके रात नू लेके आने पैंदे उसी वेले अच्छा जानी थोड़ा आपस विच पंजे सत्त जणा बहुत ज्यादा असी एक दूसरे असी सौ दे बिना नहीं रह सकदे अच्छा वक वक असी रात कदी जिदा प्रोग्राम ते भी सानू किते बाहर आ जावे साडे विच बहुत दूसरा हो जांदा वी यार दो दिन लई जाणा औखा हो जाणा गुम्मे ने रोणा आ उहदे नाल असी गुरमन नू फिर छोटियां ने जानी कि सानू बहुत कठिनाई भी आंदी प्यार बहुत शुरुआत शुरुआत विच जो ये नहीं सगिया उदो तो दो सगिया वैसे तो जिते जाते तो उन्होंने पता भी मैं जब घरें नहीं उदा दी कोई गल सुनता तो बहर भी उन्होंने मैं कहना साढ़े अपने सके रिश्तेदारी ब्याह सगा वो थोड़ा जहा प्रॉब्लम के जाने कि ब्याह अमरजेंसी के उन्होंने ब्याह रखा वह गुड़िया मेरी हुई होस्पिटल से उस वे करमन रखे करमा वाली सी तीजे नंबर की बैठे चौथे वह जो हुई है भी मेरे समझ लो भाग पहली बार मैं कोई चीज़ मिली तो मैं क्या भी मैं कहते भी नाम मैं कहता करमा वाली बहुत आ भी जी चीज़ में आप तरसते वह अपने पै गई है वाकया इदा सीगा साढ़े ना भूआ जी के लड़के का ब्याह सीगा तो वह बाहरों आया से कहते भी तुम आ जाओ भी नानके के पिछों भी तैनों भी बुलाया भी तू तो उस वेले फिर मैं उन्होंने मामे के तौर पर सोने की मुंदी पाई सी तो मम्मी ने जिदा है ना बालियाँ वगैरह सोने दियाँ पाइया तो फिर यद ना तो करमन रखा भी करमा वाली आ जिन्हें जमदी ने हले होस्पिटल सी तो मेरे पहले सोना पवाता करके तो ना करमन करमन कर दिता सी जिथे ये गल भी होंगी है ना कि जिथे धियां हो परमात्मा धियां भी उन्होंने दिता है ना जिन्हों के जिगरा होना पालन का पलोसन का है ना क्योंकि बड़े
वैसे तो यही पा रही है सानू क्योंकि ये इन्हों के नाल ही जाना। मैं भी दिहाड़ी करता इन्हों पहले मैं बखरी दिहाड़ी करता सी हूँ इन्हों दिहाड़ी करता क्योंकि इन्हों के नाल रह के कल ना कह भी डैडी हूँ ही उदा आप पिछे भी तुम कोई भी वीडियो में देख लो चाहे कि मर्जी मैं इन्हों का सपोर्टर भी जरूर हाँ गनमैन भी सारा कुछ ही हाँ स्टेज पर मैं पहले भी दसिया भी मैं इन्हों के नाल नाल डैडी के नाल नाल इन्हों की भैन भी बन जाना कई वेले खेडन वास्ते स्टेज पर इन्हों के नाल ही रहना मैं ना इन्हों परे जान दिता तो ना मेरे तो परे ही जानी हूँ मजिशियन मेरे अलग होंगे इन्हे तो इन्हों की गड्डी असी भी बस लगता कि तीन सुती तकदीर जगाती है ना ये परिवार की। मैं कहता जी जो समझ लो भी गली महल आते ना तो तोता लैके पंडित जी है ना वो भविख दिखालते हैं तो मैं वो कहना भी हाथ दिखाल दो पांच रुपये दे के दस रुपये दे के उन्हें मैं कहने जो मेरे होइया नहीं सी तेरी किस्मत टूर बहुत आ सफर बहुत आ मैं कहना सफर साड़ी रिश्तेदारी तो सारी फलोर तो हुशियारपुर तक होनी है ये सफर कि कराई जाता यही होंगे ना आस तो हूँ पता लगता भी वाकई यार सफर से इन्हों ही सके सफर ये आनी है ता सफर होना है जरूर जे इन्हों की जगह से पता होंगे कोई फिर उ बैठे रहते नहीं शायद वह भी पुते ही आना ये धियां भी पुते ही आ इन्हों के नाल भी सफर होना ही शायद वह जिदा के अजक हालात चलते शायद वह नशे के होंगे तो मैं उन्होंने हस्पताल कि लैके घूमता हों तो ये अज भी मेरे नाल उत्तर की तो कोई गल नहीं जिदा का चलो बीजा उदा का बढ़ना ही पैना पर जो मैं अपनी किस्मत चंगे काम किए मैं मिली हाँ मैं तो कहना जो माड़े काम किए मैं सज़ा दे दी इन्हों ना मालका दमी मेरी मैनू दे दी जे मेरे चंगे काम किए इन दे दी बहुत पुरानी गल आ कि यह छोटिया छोटिया सगिया तो इन्हों शौक बहुत सगा शुरू तो हम तो धियां पुतों की गल करते भी पुत धी इन्हों इन्ना क शौक हों भी हरेक चीज़ बनानी है घर मेरे ये बालें वाली छत से कच्ची मिट्टी जाने की जिदा होंगे गल बहुत पिछोकड़ घर से अपना तो मैं इन्हों क्या भी अज पुत प्रोग्राम वधिया लग गया मैं तो ना आओ आप चलीए मोटरसाइकिल पर बैठो तो आप बाजार में चलते कोई समान लैके आना तिहाड़े लिए खाने पीने लिये पापा की दोनों बिठा लिया जो असं जाते पे मैं तू कड़ी कोक पीनी है कहती मैं तो स्प्राइट पीनी है स्प्राइट बहुत पीती होंगी सी मैं चल ठीक है तू कहते मैं पनीर मैं चलो जी चलते हैं अभी चले गए रास्ते जाते जाते ने पनीर की सलाह बनाई दोनों ने क्या किया मैं कहती पापा वही बोतल ला लियो छोटी बोतल ले लो मैं छोटी कद ली कहती बस तुम छोटी लै लियो चलो मैं छोटी ले लोना इनू पूछा कहती नहीं मेरा नहीं पनीर ना ढिड मेरा भारा भारा होंगे भी आप इदा करते हैं दाल बना लाने मैं चल ठीक है मैं चल इदा ठीक है अभी छोटी स्प्राइट की बोतल ही आ गए वापस आए मैं आ गया कभी ये तो कभी आ भी लैन के आना वह भी लैके आना मैं इन्होंने मैं मना करता हूँ इन्हें मननी है मैं मेरी मम्मी ने पूछा भी तुम कहू मना करता तेरे डैडी जैन लैके गया कहती पापा उन्होंने दस्यो कहती मैं तो वही बोतल नहीं मंगी भी आप मकान वधिया बनाना आ पैसे जोड़ने पनीर महंगा होंगे दाल दाल खाने दाल सस्ती होंगी है इन्हों इन्ना पता भी है दाल सस्ती है पनीर महंगा है तो जे इन्हें उस वे जोड़े तो कुछ बने क्या बात है सोच ही सोच इन्हों की शुरू तो सी क्या बात अपने अपने कुछ जाते जाते सुना दो है ना थोड़ी आवाज की दुनिया बहुत ज्यादा फैन है बड़ा महंगा पै गया प्यारे तेरा माही वे बड़ा महंगा पै गया प्यारे तेरा माही वे लुट ले गरीबानी दी लुट ले गरीबानी दी तू ते बादशाही वे बड़ा महंगा पै गया नारे लोकी तन दिंदे नारे लोकी हस दे लुट लिया वैरिया ने बोल भी नहीं सकदे लुट लिया वैरिया ने बोल भी नहीं सकदे पालिए आपे गल पालिए आपे गल इश्के दी फाही वे लुट ले गरीबों
ਚਾਹੀ ਵੇ ਬੜਾ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈ ਗਿਆ ਪਿਆਰੇ ਤੇਰਾ ਮਾਹੀ ਵੇ ਬੜਾ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈ ਗਿਆ। बात है बहुत सुरीला गाने हो भेने तुसी ते ए सिखया कित्थों आ? ए पहले तो गॉड गिफ्ट ही गाउंदे सीगे उस तो बाद जदों किसे तो सिखण भी गए सी असी ते उन्होंने सानू अपनी फीस ही नहीं दसी जिन्नी साडी कैपेसिटी नहीं सी असी वापस आ गए ते एदे ही चलदा रहा सिलसिला सुन ली दी असी गा लीदा सी सुन के बस गा देना उत्ते लाइव स्टेज ते उस तो बाद साडे ताया जी सी ओ सानू दस जांदे सीगे ते वृंदावन चले जांदे सीगे। वृंदावन तो पूनम दीदी कृष्ण भजन च काफी फेमस ने उन्होंने नाल ही हुंदे ने साडे उस्ताद जी। फिर जदों लॉकडाउन होया सारे घरों घर ही आ गए फिर उस्ताद जी भी इत्थे आ गए ते उस्ताद जी फिर रेगुलर क्लासां स्टार्ट हो गईयां ते साडे उस्ताद जी करण कोशिश जी। अच्छा हुण किहड़ी क्लास पढ़दे हो तुसी? मैं 10th। तुसी भेण? 9th। नौवीं क्लास च एक साल दा डिफरेंस है पढ़ाई पढ़ाई दे विच ठीक हो? हां जी ठीक आ। अच्छा उधर टाइम निकल जाता पढ़ाई करने का? हाँ जी निकल जाता क्योंकि स्कूल वालों भी पता है कि शो होंगे ने थोड़ा जहा भी मैनेज कर लेंगे थोड़ा जहा भी मैनेज। अच्छा पर कई बार ये होंगे कि देर रात तक तुम शो लाते हो है ना सवेर फिर स्कूल जाना पैदा हो फिर थकान रही हो जाए ऐसा गल्ल कदम? हाँ जी हो तो जाए काफ़ी बारी क्योंकि शो तो बाद जो स्कूल जाना थोड़ी देर थकावट होंगी है पर कोई नहीं मैनेज कर ली दा बाद चो घर आके रेस्ट कर। अच्छा सुपना की है फैमिली दे विच अपने फादर साहब नू जिवें जां तुहाडी मम्मी ने है ना हर एक माँ बाप का सुपना होंदा है ना जिवें इन्होंने भी कोई कसर छड्डी है नहीं कि तुहानू एक पुत्ता वांगू पालिया थोड़ा की सुपना है? साडा यही सुपना है कि जिवें बाकी सिंगरां नू अच्छा प्लेटफॉर्म मिलता सानू भी उदां ही प्लेटफॉर्म मिले अपन छोटिया भैणों के मम्मा पापा के सुपने पूरे करिए। अपने सुपना की है किहड़ा सुपना जिहड़ा माँ बाप का अज भी साकार करना चाहते हो कि दिली तमन्ना कि सुपना पूरा होना चाहिए किहड़ी ऐसी रीझ आ? सुपना तो यही है क्योंकि अजकल समाज के लोग ना कुड़ी मुंडे च बहुत फर्क करते हैं तो यही सुपना है कि असी हुण भी पुत बन के दिखाया अगे भी पुत बन के दिखाइए क्योंकि जो कोई कहता है ना कि हरमन जरमन के मम्मा पापा साढ़े तो पहला उन्होंने प्राउड फील होंगे उन्होंने नाम होर भी रोशन करिए बस यही साडा सुपना। क्या बात है बहुत सोहनिया गल्लां करदे भैणे तुसीं जांदे जांदे एक बार कोई होर है ना अपनी आवाज़ कोई गीत सुना दो। हाँ जी जरूर क्योंकि वक्त वक्त की गल हुंदी है सारे तो वक्त आउंदा है ते जे रब ने चाहे साडे भी जरूर वक्त आऊगा सो वक्त ते गल करन जा रहे हैं। अज बेशक साडा नाम नहीं पर एने भी गुमनाम नहीं अज तेरी गुड्डी सिखरा ते तेरी गुड्डी सिखरा ते कल असी विछा जाना है जदों रब दी हो गई मेरे वक्त साडा भी आ जाना जदों बापू दी हो गई मेरे वक्त साडा भी आ जाना जदों रब दी हो गई मेरे वक्त साडा भी आ जाना कदे भी पानी पुलां दे उपरों लंघदे हुंदे नहीं फुल कागजी कदे सुगंधियां वंडदे हुंदे नहीं जो फुल टाणी तो टुटिया ए फुल टाणी तो टुटिया ए आखर मुरझा जाना है जदों बापू दी हो गई मेरे वक्त साडा भी आ जाना जदों रब दी हो गई मेरे वक्त साडा भी आ जाना जदों रब दी हो गई मेरे वक्त साडा भी आ जाना। सो अंकल बहुत समा दिता तुम जाते जाते कोई सुनेहा देना चाहते हो ये समाज में ये साडे समाज की सोच में ताकि उन्होंने सोच भी थोड़े वाग हो सके उन्हों की लोगों की भी सोच थोड़े वाग बदल सके? देखो जी ये तो अपनी अपनी सोच है अच्छा यही मैसेज दें हर एक स्टेज पर भी दें धियां धियां बचा बहुत औखा है धियां जे माँ बाप बचा लेंगे ने चंकी परवरिश भी देंगे ने पढ़ा भी लेंगे ने गांह जाके जोड़े दाज के लोभी आ वो धियां किसी न किसी तरीके चुभन करते हैं उन्होंने हाथ जोड़ के बेनती है मेरी तो यही चैनल में भी जिड़िया भी धियां माँ बाप पालदा जे वह ब्याह के कितने जानी हैं दाज के पिछे उन्होंने मारिया ना जाए तंग ना किया जाए माँ बाप पता नहीं किदा पाल के उन्होंने जवान करता जे बच्चा बचपन के अपने बच्चे पालदा उन्होंने ओडोमास लिया भी मच्छर ना लड़े उन्होंने एक मच्छर वा ना लड़े पक्षी झलदा तो वह बच्चे जो जलाया जाता तो कि दुख हों माँ बाप में
भी धियां दे नाल कदी भी बिरकता नहीं करना चाहिए। धियां सारे लिए सांझियां धियां नूं जिन्ना हो सके जिहड़ी समझ लो भी जिथे भी जाना चाहुंदियां जिहड़े भी भाग दे विच उहनूं उस भाग दे विच चुनौती दित्ती जावे भी हाँ चंगे काम लई पर माड़े काम लई नहीं। भी माड़े काम दे विच कल नूं नशे दे विच धी कवे मैं नशे च पैणा उह च नहीं, धी नूं जे चंगे काम दे विच जिथे भी जाना चाहुंदी उहनूं भेजा जावे। इह ना सोचा जावे इह काम माड़ा जां चंगा है ना, जो भी फील्ड के जाने चाहते हैं उन्होंने उस फील्ड के आप अगे लैके जाओ। बस सोनिया गल्ला कर दें भैने, बहुत बहुत शुक्रिया अंकल जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत सारी टीम का ढाई का सारी का जोड़े भी इन्नी दूरों आए हो स्पैशली, चलो असं भी धन्यवाद कर बहुत शुक्रिया। सो इंटरव्यू चंकी लगी कमेंट करके जरूर दस दो, एक वक्रे तरीके वक्रे पक्ष तो इंटरव्यू करने की कोशिश ये की कि यह परिवार बहुत खुश है कि इन्हों परिवार के धियां ने। अंकल होर की गल मैं एक बहुत सोहनी लगी कि काश या शायद मेरा पुत होंदा है ना, जां तां मैं उहनूं नशे च धुत्त होए नूं हस्पतालां च लई फिरना सी जां फिर मेरा बड़ेपा रुलना सी। अज मेरे कोल धीआं ने, सानूं फर्शां तों अरशां तक इह धीआं ने पहुँचाता। इंटरव्यू चंगी लगी कमेंट करके जरूर दस्सदे, बहुत बहुत धन्नवाद, देखते रहो कैन पंजाबी।